अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज आप सभी लोगों के साथ मैं अपना रूटीन शेयर करूंगी एंड मैंने किचन में क्या रेसिपी ट्राई करी एंड मैंने डिनर में क्या बनाया, तो सभी कुछ आप सबके साथ शेयर करूंगी। बहुत छोटू सा व्लॉग है, लास्ट तक व्लॉग ज़रूर देखिएगा। अच्छा, ये शाम का टाइम हुआ हुआ था और स्नैकिंग में जो है, मैंने बताया आपको लास्ट व्लॉग में कुछ ना कुछ मैं बना ही लेती हूँ और मैंने कहा कि चले ठीक है सैंडविच ट्राई करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने आलूओं को इस तरह से कट करा था एंड मैंने बेसन में इसे करके फ्राई कर लिया था एंड मैंने पालक भी निकाली, फ्रिज से रखी हुई थी, ख़राब ही हो जाती। तो जब कोई भी चीज़ होती है ना, तो वो अगर ख़राब हो जाती है तो हस्बैंड की जो है ना, वो बहुत ज़्यादा डांट सुननी पड़ती है। तो मैंने कहा कि चले ठीक है, इसको भी आज पालक भी जो है ना, वो ख़राब होने से अच्छा है कि इसको जल्दी से बना लेती हूँ, क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि बनाने का नंबर ही नहीं आ पाता है एंड वो रखे रखे जो है ना, वो ख़राब हो जाती है। पालक के पत्ते मैंने कट कर लिए थे, उसे भी बेसन में लपेट कर फ्राई कर लिया था, मैंने डीप फ्राई किया था। इस तरह से मैंने टिश्यू में सारी चीज़ें एडजस्ट कर दी थी ताकि जिसका एक्स्ट्रा ऑयल है ना, तो वो ऑब्जर्व हो जाए। अच्छा, मैंने ना जिस कढ़ाई का यूज़ करा है तो प्लीज़ उसे इग्नोर करिएगा, उसकी हालत जो है ना, वो बहुत ख़राब हुई हुई है। एंड मैंने जो है ना, वो इस कढ़ाई को इसलिए रखा हुआ है क्योंकि इस पर मैं जो भी चीज़ बनाती हूँ ना, सब्ज़ी हो या कुछ भी हो ना, तो बड़ा स्मूथली बनता है। मतलब जैसे कि नॉन स्टिक में बहुत स्मूथली खाना बन जाता है ना, इस तरह से इस कढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा स्मूथली खाना बन जाता है। तो मैंने जो है ना, वो बहुत संभाल कर रखी हुई है एंड कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, तो मतलब उससे जो है ना, वो आपका दिल सा लग जाता है और उसे फिर किचन से हटाने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता है। तो बस कढ़ाई का भी जो है ना, वो ये कि यही मसला है कि खाना जो है ना, वो बहुत स्मूथली बनता है, बिल्कुल भी नीचे लगता नहीं है। तो इसलिए मैंने जो है ना, वो कढ़ाई रखी हुई है, इसका मैं प्रॉपर यूज़ करती हूँ, तो प्लीज़ इसकी जो हालत है ना, उसे इग्नोर करिएगा। अच्छा, इधर सारे आलूओं को मैंने फ्राई कर लिया था एंड जितने भी पालक के ये पत्ते थे, तो मैंने इसे बेसन में करके फ्राई कर लिया था। सारी चीज़ें मैंने अरेंज कर ली थी, तो इस तरह से बहुत सिंपली वे में मैंने सैंडविच बनाया हुआ था एंड मेरे पास खीरा रखा हुआ था, तो खीरे को भी मैंने कट कर लिया था। थ्री टाइप के ये सारे सॉसेस थे, तो बस मैंने इस तरह से बहुत सिंपल वे में सैंडविच बना लिया था। अच्छा, मेरे माइंड में क्या होता है ना कि मुझे बहुत सारी चीज़ों की जो है ना, वो ज़रूरत नहीं पड़ती है। मतलब सभी कुछ जो है ना, वो अवेलेबल होना चाहिए, इसके बिना फिर खाना नहीं बनेगा, या जो भी चीज़ें अगर हम बना रहे हैं तो नहीं बनेगा। मेरे माइंड में सिर्फ ये होता है कि मेरे पास जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो उन चीज़ों से मैं प्रॉपरली मील एंड टेस्टी मील बनाकर तैयार कर सकूँ। तो बस मेरे माइंड में यही एक सेटअप हुआ हुआ होता है। तो बस इस तरह से मैंने बहुत टेस्टी से सैंडविच जल्दी से बनाकर रेडी कर लिए थे एंड हस्बैंड भी आ गए थे, तो हम दोनों ने इंजॉय करा। विद मैंने चाय बना ली थी और उसके बाद बस मैंने थोड़ी देर रेस्ट करा एंड ये डिनर का टाइम हो गया था। तो मैंने सोचा कि डिनर में बरी बनाते हैं। हमारे इंडिया में तो बरी बोली जाती है, जैसे कि वो एक दाल की जो बरी होती है ना, बहुत हार्ड होती है, टाइट होती है, जब आप उसको बनाते हो तो वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है, बट बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। एंड जो येलो मूंग दाल होती है एंड ग्रीन जो मूंग दाल होती है ना, तो इसकी बरी बनकर मार्केट में अवेलेबल होती है, रेडीमेड बरी भी मिलती है एंड आप घर में भी बना सकते हो, बट घर में जो है ना, आजकल कोई झंझट करता नहीं है, तो इसलिए रेडीमेड चीज़ें अवेलेबल होती हैं। तो बस मैंने ये लूलू है पर मार्केट से ली थी, पूरा पैकेट मैंने लिया था, बहुत ईजिली मिल जाएगा। तो बस इसे मैंने जल्दी से फ्राई कर लिया था। सबसे पहले इसे फ्राई करके रखना हुआ होता है, तो मैंने साइड में रख दिया था इसे फ्राई करके। उसके बाद मैंने इसका सारा ये मसाला बनाया था। सारी चीज़ें जो है ना, मैंने इसको मिक्सी में ग्राइंड कर ली थी, स्मूथली सा इसका एक पेस्ट बना लिया था। इसका मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर प्याज ली थी, अदरक लहसुन लिया था, साथ साथ मैंने गोल मिर्च ली थी, हरी इलायची ली थी, थोड़ी सी मैंने लौंग लिया था एंड हाफ टेबल स्पून मैंने सौंफ ली थी, हाफ टेबल स्पून मैंने जीरा लिया था, धनिया पाउडर लिया था। तो इन सारी चीज़ों वो मिक्सी में ग्राइंड कर लिया था, कि स्मूथली सा इसका पेस्ट बना लिया था, थोड़ा सा पानी ऐड करके। अच्छा, सारे मसालों को मैंने कि स्मूथली सा पेस्ट बना लिया था, उसको एक साइड रख दिया था। उसके बाद इस कढ़ाई में मैंने ऑयल ऐड किया, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मैंने ऑयल ऐड नहीं किया था, और जब ऑयल हीट हो गया, उसमें मैंने मेथी दाना ऐड किया था, थोड़ी सी हींग ऐड करी थी एंड उसके बाद ये मैंने सारा जो ये पेस्ट बनाकर रखा हुआ था ऐड कर दिया था। बहुत स्लो फ्लेम पर मैंने इसे भून लिया था, जब तक इसका ऑयल सेपरेट नहीं हो गया था। मसाला पकने के लिए मैंने इसको स्लो फ्लेम पर रख दिया था। उसके बाद मैंने ये जितनी भी ये जो बरी थी दाल की, तो इसे मैंने कूट लिया था इमाम दस्ते में, मेरे पास छोटू सा इमाम दस्ता रखा हुआ था, तो इसे मैंने सारी बरियों को मैंने कूट लिया था ताकि ये बहुत अच्छे से गल जाए, जल्दी हो जाए, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगे। अच्छा, मसाला जो है ना, यहाँ पर भून गया था, ऑयल सेपरेट हो गया था। उसके बाद मैंने 3 से 4 टेबल स्पून दही ऐड किया था,
था दही ऐड करने के बाद। इसे बहुत अच्छे से भून लिया था। फिर उसके बाद ये जो मैंने बड़ी मामजिस्ते में कूट कर रखी हुई थी ना, तो ये मैंने सारी ऐड कर दी थी। एंड मेरे पास जो है ना वो लेफ़्ट ओवर थोड़ा सा पनीर रखा हुआ था, तो मैंने कहा ये ख़राब ही हो जाना है, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है इसको भी ऐड कर देती हूँ। तो मैंने पनीर भी इसमें ऐड कर दिया था, तो ये बहुत अच्छा जो है ना एक कॉम्बिनेशन सा हो गया था। एंड ये मैंने पुदीने का एंड खीरे का जो है रायता बनाया था, बहुत टेस्टी रायता बना था। इसकी भी रेसिपी आप सभी को ज़रूर दूंगी। एंड इसमें मैंने बॉईल करके आलू भी ऐड करे थे, बहुत टेस्टी ये रायता बना हुआ था। सो ये था मेरा आज का बहुत छोटू सा व्लॉग। सो व्लॉग करते हैं यहीं एंड आई होप सो मेरा ये व्लॉग आप सबको अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफिज़।